आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द शू मेकर, रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। चलिए हम इसके थीम को पहले समझते हैं। एक्चुअली फ्रांस में एक रिवॉल्यूशन हुआ था जिसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन बोलते हैं। एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले का जो टाइम था उसमें पुअर पीपल ने बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया था। इवन दे डोंट हैव एनीथिंग टू ईट प्रॉपरली, बट जो अपर क्लासेस थे, अपर क्लासेस को ज़्यादा सर्वाइव नहीं करना पड़ा था बिकॉज दे हैड लॉट्स ऑफ मनी। एंड दैट्स वाई जो पुअर पीपल थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद रिवॉल्यूशन शुरू कर दिया और इसीलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। तो उसके बाद काफ़ी सारे पर्सन जो थे उनको परिस भी किया गया था। तो आज जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं द सू मेकर, उसमें हमें ऐसे ही एक पर्सन के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलेगा जो कि एक्चुअली जेल में सफ़र कर रहा है बिकॉज ऑफ हिज पार्टिसिपेशन इन द रिवॉल्यूशन एट दैट टाइम। और उसके बाद एक्चुअली ही वॉज नॉट अ शू मेकर फ्रॉम हिज अर्लियर टाइम, ही वॉज एक्चुअली अ डॉक्टर, बट अब वो पूरी तरीके से सब कुछ भूल चुके हैं कि वो एक डॉक्टर थे, उनका प्रोफेशन क्या था, और अब वो खुद को एक शू मेकर ही समझते हैं बिकॉज मैनी ईयर्स हैव बीन पास्ट। ओके, तो चलिए आज हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। एंड प्लीज़ ट्राई टू इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस, देयर आर लॉट्स ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू। ओके, चलिए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। गुड डे, सेड मिश्योर डिफॉर्ज लुकिंग डाउन एट द वाइट हेड दैट बेंड लो ओवर द सूमिक। तो देखिए यहाँ पे दो पर्सन है, एक है सू मेकर एंड दूसरा है मिश्योर डिफॉर्ज। एंड मिश्योर मीन्स होता है किसी भी फ्रेंच पर्सन को ये टाइटल दिया जाता है। तो मिश्योर डिफॉर्ज जो है वो शू मेकर को गुड डे विश करते हैं। एंड आफ्टर दैट जो वाइट हेड रहता है, वाइट हेड यहाँ पर दिखाया गया है शू मेकर के लिए, तो जो शू मेकर है वो बिना कुछ बोले अपना चुपचाप शू मेकिंग के काम को कंटिन्यू करते रहते हैं। इट वॉज रेस्ड फॉर अ मोमेंट एंड अ वेरी फेंट वॉइस रिस्पॉन्डेड टू द ग्रीटिंग एज इफ इट वेयर अ डिस्टेंस। ओके, तो जो वाइट हेड जो पर्सन जो काम कर रहे थे शू मेकर, वो थोड़ी देर के लिए अपने सर को उठाते हैं और उसके बाद रिस्पॉन्ड करते हैं और ऐसा लगता है जैसे बहुत दूर से कोई आवाज़ आई है, गुड डे, यू आर स्टिल हार्ड एट वर्क आई सी। आफ्टर दैट डिफॉर्ज बोलते हैं दैट मैं देख रहा हूँ कि अभी भी आप काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हो। ओके, लेट्स रिकॉग्नाइज वन थिंग दैट यहाँ पर ये जो मिश्योर जो है इसको हम लोग मॉन्श्योर नहीं पढ़ेंगे बिकॉज इसमें आर है ना वो साइलेंट रहता है, सो वी विल प्रोनाउंस इट मिश्योर। ओके, आफ्टर लॉन्ग साइलेंस द हेड वॉज लिफ्टेड फॉर another moment and the voice replied, yes I am working. The faintness of the voice was pitiable and dreadful. काफ़ी टाइम के साइलेंस के बाद हेड वॉज लिफ्टेड, किसका हेड लिफ्ट हुआ, शू मेकर का हेड लिफ्ट हुआ और वो रिप्लाई करते हैं काफ़ी फेंट वॉइस में कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ। और इनकी जो आवाज़ थी ना वो बहुत पिटिएबल थी एंड ड्रेडफुल थी। पिटिएबल मीन्स जिस पर दया आनी चाहिए। इट वॉज नॉट द फेंटनेस ऑफ फिजिकल वीकनेस, दो कन्फाइनमेंट एंड हार्ट फेयर नो डाउट हैड देयर पार्ट इन इट। इट वॉज नॉट द फेंटनेस ऑफ फिजिकल वीकनेस, तो देखिए इनकी आवाज़ दबी हुई है बट इनका जो फिजिकल अपीरियंस है वो उतना ज़्यादा वीक नहीं है। एक्चुअली जो कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट क्या होता है, काफ़ी टाइम तक प्रिजनमेंट वगैरह में रहना, प्रिजन में, जेल में रहना, और ये जो वक्त इन्होंने गुजारा है इसके चलते ही इनके लाइफ में ये सारी चेंजेस आ चुके हैं। इट वॉज द फेंटनेस ऑफ सॉलिट्यूड एंड डिसयूज़, तो ये जो अकेलापन है और ये जो ये खालीपन, वीकनेस इनको जो लग रहा है, ये रिजल्ट है सॉलिट्यूड का एंड डिसयूज़ का। सॉलिट्यूड मीन्स क्या होता है, अकेलापन। ओके, आई वॉन्ट, सेड डिफॉर्ज हु हैड नॉट रिमूव्ड हिज गेज फ्रॉम द शू मेकर, टू लेट इन अ लिटिल मोर लाइट हेयर, यू कैन बियर अ लिटिल मोर। तो देखिए डिफॉर्ज को शू मेकर रिप्लाई करते हैं कि मुझे थोड़ी और ना लाइट चाहिए इस कमरे में, थोड़ी और रोशनी आनी चाहिए। और जब वो बोलते हैं तो वो बिल्कुल भी अपना जो लुक है उसको रिमूव नहीं करते, हटाते नहीं हैं, शू मेकिंग का काम जो है कंटिन्यू करते रहते हैं। द हाफ ओपन डोर वॉज ओपेंड अ लिटिल फर्दर, अ ब्रॉड रे ऑफ लाइट फेल इन टू द गैरेट एंड शोड द वर्कमैन विथ एन अनफर्निश्ड शू अपॉन हिज लैप pausing in his labor. आफ्टर दैट डोर को और ज़्यादा ओपन किया गया जिससे अच्छी खासी रोशनी आई और लाइट जो है ना वो गैरेट पर पड़ रही थी। गैरेट मीन्स क्या होता है, जो एटिक फ्लोर जो होता है, एटिक का जो टॉप फ्लोर होता है उसे गैरेट बोलते हैं। तो एंड एटिक मीन्स क्या होता है, इस टाइप के जो घर बने हुए रहते हैं उसे ट्राइंगल शेप में, उसे एटिक भी बोलते हैं। तो वहाँ से जो रोशनी आ रही थी उससे जो शू मेकर था वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था, जिसके लैप पर शूज रखे हुए थे और वो अपना काम किए जा रहा था। पॉजिंग इन हिज लेबर, हिज फ्यू कॉमन टूल्स एंड वैल्यू
वेरियस स्क्रैप्स ऑफ लेदर वेयर एट हिज फीट एंड ऑन हिज बेंच. तो उसके जो थोड़े बहुत टूल्स थे जिससे वो काम कर रहा था और थोड़े से स्क्रैप्स वगैरह जो थे उसके फीट पर रखे हुए थे. ही हैड अ वाइट बियर्ड रैगेडली कट बट नॉट वेरी लॉन्ग, अ हॉलो फेस एंड एक्सीडिंगली ब्राइट आईज. तो देखिए शूमेकर की जो आईज थी ना वो बहुत ज़्यादा ब्राइट थी एंड उनके जो बियर्ड थे जो दाढ़ी थी ना वो रैगिडली कट, इट मीन्स प्रॉपर उनको कट नहीं मिला था, वो जस्ट वॉर्न आउट थी खुद ही ऐसे हल्का हल्का जो घूम जाते उस तरीके से एंड बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं थे एंड अ हॉलो फेस एंड एक्सीडिंगली ब्राइट आईज, और उनके आईज जो थी बहुत ज़्यादा ब्राइट थी. हिज येलो रैक्स ऑफ शर्ट्स ले अपॉन एट द थ्रॉट एंड शोड हिज बॉडी टू बी विदर्ड एंड वॉर्न. और उनके जो शर्ट के जो येलो रैक्स थे, रैक्स मीन्स क्या होता है, टुकड़े वगैरह जो होते हैं जो फटे हुए कपड़े वगैरह होते हैं वो खुले हुए थे और उसके बाद उनका थ्रॉट दिखाई दे रहा था और उनका बॉडी जो है ना विदर्ड अवस्था में दिखाई दे रहा था. व्हाट इज विदर्ड? विदर्ड मींस लाइक कंप्लीटली रिंकल्ड, उनका जो बॉडी था बहुत ज़्यादा रिंकल था. He and his old canvas frock, loose stockings and all his poor tatters of clothes had in a long seclusion from direct light and air faded down to such a dull uniformity of parchment yellow that it would have been hard to say which was which. तो देखिए उनके जो जो canvas frock थे, जो उनका जो जो attire था, जो कपड़े उन्होंने पहने थे, जो stockings थे, stockings क्या होता है, जो like जो हम जो पजामा type का जो पहनते हैं उसे हम stockings बोलते हैं, उनके जो क्लोथ्स फटे पुराने थे, ये काफ़ी टाइम से काफ़ी अलगाव में थे. अलगाव मीन्स क्या होता है, जो ब्राइट जो रेज निकलती है सन की उससे काफ़ी ज़्यादा अलग थे, उसे कभी भी सन की रेज नहीं मिली, लाइट नहीं मिली, और इसीलिए उनका जो कलर था ना काफ़ी ज़्यादा फेड हो गया था और सारे के सारे पर्चमेंट येलो दिख रहे थे. पर्चमेंट येलो मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा डल येलो, और इसीलिए हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि वो कौन सा शर्ट है, कौन सा स्टॉकिंग्स है, कौन सा उनका ट्राउज़र है, ऐसा कुछ भी हम नहीं समझ पा रहे हैं. द शू मेकर नेवर लुकड एट द फिगर बिफोर हिम विदाउट फर्स्ट लुकिंग डाउन ऑन द साइट ऑफ हिमसेल्फ देन ऑन दैट एज इफ ही हैड लॉस्ट द हैबिट ऑफ एसोसिएटिंग प्लेस विद साउंड. ही नेवर स्पोक विदाउट फर्स्ट वेंडरिंग इन हिज मैनर एंड फॉरगेटिंग टू स्पीक. तो देखिए जो शू मेकर है ना कभी भी किसी से भी जब बात करता है, किसी भी फिगर से, इट मीन्स किसी भी पर्सन से जब वो बात करते हैं तो पहले वो अपने इस साइड देखते हैं, फिर उस साइड देखते हैं, अपने ही दोनों तरफ देखते हैं, और ऐसा लगता है जैसे उनको इस चीज़ की हैबिट ख़त्म हो गई. जैसे हम हमारे पास कोई आवाज़ आती है तो हम तुरंत उसके तरफ फेस करके देखते हैं और उससे पहले हमें नहीं पता होता है कि वो पर्सन कहाँ खड़ा है, बिकॉज हम साउंड के आने का डायरेक्शन समझ लेते हैं. तो इनकी जो हैबिट है ना ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है और वो इसी तरीके से अपने में ही बौखलाए हुए रहते हैं एंड फॉरगेटिंग टू स्पीक. ऐसा लगता है जैसे वो बात करना भी पूरी तरीके से भूल चुके. I hope you are finding this chapter interesting at the same time you are understanding it. अगर आप समझ रहे हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा. चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं. मिस्टर लॉरी केम साइलेंटली फॉरवर्ड लीविंग लूसी द सू मेकर्स डॉटर बाई द डोर. तो देखिए यहाँ पर इनसे कोई मिस्टर लॉरी जो है वो मिलने आए हैं और वो चुपचाप भीतर आ जाते हैं और उनकी जो बेटी है, जो शू मेकर की बेटी है जिसका नाम लूसी है, वो डोर पर अभी भी खड़ी हुई है. वेन ही हैड स्टूड फॉर अ मिनट और टू बाय द साइड ऑफ डिफॉल्ट द शू मेकर लुकड अप. ही शोड नो सरप्राइज एट सींग अनदर फेयर फिगर. ओके, तो देखिए कुछ टाइम खड़े रहने के बाद शू मेकर जो है ना अपना सर उठाकर ऊपर देखता है और जब वो दो पर्सन्स को पाता है वहाँ पर, मिस्टर लॉरी को भी पाता है डिफॉल्ट के अलावा, तो भी वो कोई सरप्राइज शो नहीं करते हैं. ओके, यू हैव अ विजिटर यू सी सेट मिस योर डिफॉल्ट. तो जो डिफॉल्ट जो है वो उसको बोलते हैं शू मेकर को कि तुमने देखा तुमसे कोई मिलने के लिए आया हुआ है. वॉट डिड यू से? हियर इज अ विजिटर. द शू मेकर लुकड अप एज बिफोर बट विदाउट रिमूविंग अ हैंड फ्रॉम हिज वर्क. तो उसके बाद देखिए शू मेकर पूछते हैं कि आपने क्या कहा और उसके बाद डिफर्ज रिप्लाई करते हैं कि आपसे कोई मिलने के लिए आया है और शू मेकर जो है ना वो ऊपर देखते हैं लेकिन अभी भी उनका जो काम है शू मेकिंग का उसको छोड़ते नहीं. ही इज़ कंटिन्यूसली डूइंग हिज वर्क. कम सेट डिफर्ज ही इज़ मिश्यो हु नोज अ वेल मेड सू वेन ही सीज वन सो हिम दैट सू यू आर वर्किंग ऑन टेक इट मिश्यो. मिस्टर लॉरी टुक इट इन हिज हैंड.
नेक्स्ट देखिए, डिफॉल्ट जो है वो बुलाते हैं इसको, जो लॉरी जो पर्सन आया उसको बोलते हैं कम, एंड आफ्टर दैट उसको बोलते हैं दैट ही हियर इज़ अ मिश्योर हु नोज़ अ वेल मेड सू व्हेन ही सीज वन. और उसके मिस्टर लॉरी के बारे में बोलते हैं कि यहाँ पर एक मिश्योर है जो कि अच्छे से जानते हैं जब उन्हें कोई सूज दिखाया जाता है. और उसके बाद सू मेकर को बोलते हैं कि तुम जिस सू के ऊपर काम कर रहे हो इस पर्सन को दिखाओ. मिस्टर लॉरी टुक इट इन हिज हैंड. और उसके बाद मिस्टर लॉरी जो है उस सू को अपने हाथ में ले लेते हैं. टेल मिस्योर वॉट काइंड ऑफ सू इट इज़ एंड द मेकर्स नेम. एंड आफ्टर दैट वो पूछते हैं टेल मिस्योर तुम मुझे बताओ कि ये किस टाइप का सू है एंड इसे बनाने वाला कौन है. देयर वॉज अ लॉन्गर पॉज दैन यूजल बिफोर द सू मेकर्स रिप्लाइड. और जब ऐसा पूछा जाता है तो सू मेकर जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चुप रहते हैं और उसके बाद रिप्लाई करते हैं आई फॉरगॉट वॉट इट वॉज यू अस्क मी वॉट डिड यू से. और उसके बाद बोलते हैं, काफ़ी टाइम चुप रहने के बाद बोलते हैं कि मुझे नहीं पता आप क्या पूछ रहे थे और आपने क्या पूछा है. I said, couldn't you describe the kind of सू for Mrs. information? तो ये सू मेकर को बोलते हैं कि क्या आप ये जो पर्सन आए हैं मिस्टर लॉरी उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप बता नहीं सकते हो कि ये किस टाइप का सू है. इट इज़ लेडीज़ सू, इट इज़ यंग लेडीज़ वॉकिंग शू, इट इज़ इन द प्रेजेंट मोड, आई नेवर सॉ द मोड, आई हैव हैड अ पैटर्न इन माई हैंड. ही ग्लांस्ड एट द सू विथ सम लिटिल पासिंग टच ऑफ प्राइड. इट इज़ अ लेडीज़ सू. और वो सू मेकर जो रिप्लाई कर कि ये किसी लेडी के पहनने का सू है, कोई यंग लेडी इसे पहनकर चलती होगी. एंड ये प्रेजेंट मोड का है. प्रेजेंट मोड मीन्स टूडेज फैशन, आज के फैशन का है ये. और मैंने कभी भी इस तरीके का मोड नहीं देखा है. आई हैव हैड अ पैटर्न इन माई हैंड. तो ये क्या बोलते हैं कि हाँ ऐसे पैटर्न का मेरे हाथ में हुआ करता था एक सू. एंड वो उसको जो सू जो है ना उसे बहुत अच्छे से देखते हैं और उसके बाद एक प्राइड वाला टच उसे करते हैं. एंड द मेकर्स नेम सेड डिफॉल्ट. और उसके बाद वो डिफॉल्ट जो है वापस पूछते हैं कि आप ये तो बताओ कि इसे बनाया किसने है, इसको बनाने वाले पर्सन्स का तो नाम आप मुझे बताओ. नाउ दैट ही हैड नो वर्क टू होल्ड ही लेड द नकल्स ऑफ द राइट हैंड इन द हॉलो ऑफ द लेफ्ट एंड द नकल्स ऑफ द लेफ्ट हैंड इन द हॉलो ऑफ द राइट एंड देन पास्ड अ हैंड अक्रॉस हिज बियर चिन एंड सो इन रेगुलर चेंजेस विदाउट अ मोमेंट्स इंटरमिशन. ओके देखिए, तो सबसे पहले नकल का मीनिंग समझते हैं. नकल मीन्स क्या होता है, आप इमेज में देखिए जो रेड सर्कल से जो हाईलाइटेड किया गया है उस पार्ट को हम नकल बोलते हैं. तो वो दोनों हाथ के नकल्स को, इट मीन्स अपने अपने अलग अलग फिंगर्स को एक दूसरे में उलझा के इंटेंगल करके वो थोड़ा थोड़ा कुछ सोचते हैं. ओके, तो ये जो नकल्स जो हुआ उसे ही बोला गया है. एंड आफ्टर दैट वो अपने बियर्ड पर, अपने बियर्ड चिन पर हाथ को फेरते हैं और रेगुलर चेंजेस करते हैं. कभी ऐसा करते हैं, कभी वापस से चिन के ऊपर हाथ फेरते हैं विदाउट अ मोमेंट्स इंटरमिशन. इंटरमिशन मीन्स क्या होता है, रुके हुए. The task of recalling him from the vagrancy into which he always sank when he had spoken was like recalling some very weak person from a swoon or endeavoring in the hope of some disclosure to stay the spirit of a false dying man. Okay, देखिए, तो उनको जो ये एक task है कि उनसे कुछ पूछना, ये बिल्कुल उसी तरीके का था जैसे कि कोई एक person homelessness वाली activity में पूरी तरीके से डूब जाए और उसके बाद उससे कुछ बुलवाना हो और ऐसा लगे जैसे कि उस पर्सन को आप वापस से बेहोशी में से वापस उसको होश मिला रहे हैं. स्विन मीन्स क्या होता है, फेंटलेसनेस. तो जब पूरी तरीके से फेंट हो जाता है एंड या तो फिर इस तरीके से सोचना कि कोई एक पर्सन जो है वो पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे वो तुरंत ही मरने वाला है और बहुत ज़्यादा कोशिश करने, इंडिवरिंग मीन्स क्या होता है, हार्ड ट्राई करना कि उस पर्सन से कुछ डिस्क्लोज़र निकलवाया जाए. डिस्क्लोज़र मीन्स क्या होता है, सीक्रेट निकलवाया जाए. डिड यू अस्क मी फॉर माई नेम. और तो देखिए, इतने देर के बाद सू मेकर वापस रिप्लाई करते हैं और वो क्या पूछते हैं कि क्या आपने मेरा नाम पूछा. अश्योर्डली आई डिड. और उसके बाद वो क्या बोलते हैं, हाँ मैंने तो पूछा आपका नाम. 105 North Tower, is that all? 105 North Tower. Okay, तो देखिए, तो जेल में जो कैदी वगैरह होते हैं उनको हमेशा उनके नंबर से बुलाया जाता है. एंड इट्स हैव बीन अ लॉन्ग टाइम दैट ही वाज नॉट कॉल्ड बाय समवन बाय हिज ओन नेम. तो इतने टाइम से जब तक उन्होंने किसी भी पर्सन ने उनको उनके नाम से नहीं बुलाया, इसीलिए वो अपना नाम को अपना नंबर ही समझ रहे हैं. और उसके बाद डिफर्स पूछते हैं, क्या आपका नाम यही है, 105 नॉर्थ टावर. देखिए उसके बाद क्या होता है,
With a weary sound that was not a sigh, not a groan, he bent to work again until the silence was again broken. और उसके बाद देखिए वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ गुस्सा हुए, not a sigh means क्या होता है, गहरी सांस भी नहीं लेते हैं वो और ना ही गुस्सा होते हैं और वापस से अपने काम पर चुपचाप लग जाते हैं. His haggard eyes turned to Defarge as if he would have transferred the question to him. Haggard means completely exhausted होना, तो उनकी जो eyes थी वो बहुत ज़्यादा exhausted लग रही थी, काफ़ी थकी हुई लग रही थी और वो उसके बाद डिफर्ज की तरफ देखते हैं. उनको ऐसा लगता है जैसे कि ये मेरी हेल्प करेंगे और शायद मेरे बदले यही आंसर देंगे. But as no help came from the quarter, they turned back on the questioner when they had sought the ground. एंड देखिए जब सू मेकर को कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता है तो करीबन 15 मिनट्स के बाद वो वापस से क्वेश्चनर की तरफ ही देखने लगते हैं. एंड आई एम नॉट अ सू मेकर बाय ट्रेड, नो आई वाज नॉट अ सू मेकर बाय ट्रेड. और उसके बाद ग्राउंड पर देखते हैं, ग्राउंड पर देखने के बाद वो वापस रिप्लाई करते हैं कि नहीं, मैं सू मेकर नहीं हूँ, मेरा प्रोफेशन यही नहीं रहा है और मेरा प्रोफेशन ये नहीं रहा है. देखिए उसके बाद डॉट डॉट डॉट, इट मीन्स वो पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाते हैं. आई लर्नड इट हेयर, आई टॉट माई सेल्फ, आई अस्क लीव टू, तो वो बोलते हैं मैंने यहाँ पर ही इस काम को सीखा है एंड मैंने खुद को सिखाया है. एंड आई अस्क लीव टू, और यहाँ तक कि मैंने लीव भी मांगी थी इस चीज़ के लिए. ही लैप्स्ड अवे अगैन फॉर मिनट्स, हिज आईज केम बैक स्लोली एट लास्ट टू द फेस फ्रॉम विच दे हैड वेंडर्ड. मीन्स क्या होता है, नो लॉन्गर वैलिड, तो अब जो इनकी आँख है ना वो वापस से लाइक किसी एक फिक्स चीज़ के ऊपर नहीं है और ऐसा लगता है जैसे किसी वैलिड चीज़ को वो नहीं देख रही है. एंड आफ्टर दैट वो वापस उनकी आईज़ जो है स्लोली उसी फेस पर आ जाती है जिस फेस से वो वेंडर्ड हुई थी पूरी तरीके से. इट मीन्स जो जिस पर्सन ने उनसे जो क्वेश्चन पूछा था उसी के पास वो वापस देखती है. व्हेन दे रेस्टेड ऑन इट ही स्टार्टेड एंड रिज्यूम्ड इन द मैनर ऑफ अ स्लीपर दैट मोमेंट अवे रिवर्टिंग टू अ सब्जेक्ट ऑफ लास्ट नाइट. और उसके बाद वो उस पर्सन को जो डिफर्ट जो है जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था डिफर्ट्स की तरफ देखते हैं और उसके बाद इस मैनर में कुछ रिकॉल करने की कोशिश करते हैं जैसे कि कोई पर्सन सोकर उठा हो और रात के बाद को वो सुबह याद करने की कोशिश कर रहा हो. आई अस्क लीव टू टीच माई सेल्फ एंड आई गॉट इट विथ मच डिफ़िकल्टी. तो सू मेकर बताते हैं कि मैंने अपने आप को सिखाने के लिए लीव मांगा था एंड उसके बाद मुझे लीव बहुत ही मुश्किल से मिली थी. एंड आई हैव मेड सू एवर सिंस, और तब से लेकर आज तक मैं सूज बनाते हुए ही आ रहा हूँ. एज ही हेल्ड आउट हिज हैंड फॉर द सू दैट हैड बीन टेकन फ्रॉम हिम, मिस्टर लॉरी सेड स्टिल लुकिंग स्टेडफास्टली इन हिज फेस, मिस योर मैनेट, डू यू रिमेंबर नथिंग ऑफ मी. तो देखिए ये बोलकर जो सू मेकर होते हैं ना वो अपने जो उनका जो सूज था उस सूज को वापस लेते हैं. एंड मिस्टर लॉरी इतने में ही उनसे बोलते हैं स्टिल लुकिंग स्टेडफास्टली इन हिज फेस, और जो सू मेकर जो है वो अपना काम कर रहे हैं एंड मिस्टर लॉरी जो है उनके फेस की तरफ देखते हैं और उनको बोलते हैं. अब देखिए ये जो सू मेकर उनका नाम यहाँ पर रिवील होता है, मिस्यो मैनेज इनका नाम है, तो उससे पूछते हैं मिस्यो मैनेज डू यू रिमेंबर नथिंग ऑफ मी. यहाँ पर मिस्टर लॉरी सू मेकर से, इट मीन्स मिश्यो मैनेट से पूछ रहे हैं कि क्या आपको वाकई में मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है. द शू ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड एंड ही सेट लुकिंग फिक्स्डली एट द क्वेश्चनर. और ये सुनकर जो उनके हाथ में जो सू मेकर के हाथ में जो जूता था वो नीचे ग्राउंड पे गिर जाता है और वो फिक्स्ड कुछ ऐसा लगता है जैसे सब कुछ फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं और क्वेश्चनर की तरफ, इट मीन्स मिस्टर लॉरी की तरफ देखते हैं. मिस्यो मैनेट, मिस्टर लॉरी लेड हिज हैंड अपॉन डिफर्ट्स आर्म, डू यू रिमेंबर नथिंग ऑफ दिस मैन. और उसके बाद मिस्टर लॉरी जो है ना वो अपना हाथ डिफर्ट्स के आर्म पर रखते हैं और मिस्यो मैनेट से, इट मीन्स सू मेकर से पूछते हैं दैट क्या आपको इस पर्सन के बारे में भी कुछ भी याद नहीं है. लुक एट हिम, लुक एट मी, इज देयर नो ओल्ड बैंकर, नो ओल्ड बिजनेस, नो ओल्ड सर्वेंट, नो ओल्ड टाइम राइजिंग इन योर माइंड, मिस्यो मैनेट. और उसके बाद मिस्टर लॉरी बोलते हैं कि क्या आपको कोई पुरानी बैंक की बात, कोई पुरानी बिजनेस की बात, कोई पुरानी सर्वेंट की बात, क्या आपके माइंड में ऐसे कोई भी टॉपिक नहीं आ रहे हैं मिस्यो मैनेट. मिस्यो मैनेट इज द नेम ऑफ द सू मेकर. तो आज हम इस चैप्टर को यहीं तक रखेंगे, अदरवाइज द वीडियो विल गो टू लॉन्ग और आपको इंटरेस्टिंग भी नहीं लगेगा. आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी. इस स्टोरी को मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टिप.